हेलो, आपका स्वागत है वर्मा टेक्निकल चैनल में। और ये वीडियो जो है एक ईयरफोन का है। ये जो वीडियो है इसमें आप एक ईयरफोन के बारे में जानेंगे, कैसे मैं इसे रिपेयर करूंगा। और इसका वायर जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है। होता क्या है कि ये ईयरफोन को या फिर हेडफोन के मोबाइल से कनेक्ट करते हैं या पीसीबी से कनेक्ट करते हैं, किसी से भी कनेक्ट करके जब हम इसका यूज करते हैं तो ये इस तरह से मुड़ता है, जिसके कारण यहाँ से वायर जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो उसे हम रिपेयर कैसे करेंगे? और ये जो वायर देख रहे हैं ये भी कहीं कहीं से ब्रेक हो चुका है। ये देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से ये टेप लगा करके कहीं कहीं यूज किया जा रहा था, बट ये देख रहे हैं कि ये वायर जो है वो भी इससे फट करके भी निकल रहा है। तो इसे भी हम इसमें एक स्लिप लगा करके इसे ढक लेंगे ताकि इसका वायर जो है वो कहीं से ब्रेक ना हो और ये बीच से ये वायर जो है वो निकले ना। ये जो ईयरफोन जो है एक वन मोर कंपनी का ये ईयरफोन है। ये देख सकते हैं इसका जैक जो है वो यहाँ से ब्रेक हो चुका है, तो इसे हम रिपेयर करेंगे। और ये ईयरफोन जो आप देख रहे हैं ये वन मोर का ये ईयरफोन है। ये देख सकते हैं बिल्कुल ही ये परफेक्ट ईयरफोन है, जिसका साउंड जो है वो काफी ही बेस्ट, इसका क्वालिटी का इसमें साउंड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके हम रिपेयर करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे कैसे रिपेयर करेंगे वो देखें। ये जो देख रहे हैं ईयरफोन एक लेफ्ट साइड का है, एक राइट साइड का है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ राइट साइड का जो है वो वर्क कर रहा है, बट लेफ्ट साइड का जो स्पीकर है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसे हम सही करेंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं एक पैक्ट लगा हुआ है, तो ये जो आप बटन देख रहे हैं इसे पुश करने पर आपका वर्क करता है। और ये यहाँ पर से हम खोल करके इसके कनेक्शन को भी देखेंगे और इसे रिपेयर करेंगे। और इसके यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जैक का जो प्रॉब्लम आ चुका है, तो ये जैक को हम यहां से कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि ये जो जैक दिख रहे हैं यहां से हम इसे वायर को कट कर लेंगे। ये देखें, ये जो वायर है वो कट करके अलग कर लिया हूं मैं, तो ये जो जैक है वो अलग हो चुका है। और अब इसके वायर को यहां से हम निकालेंगे और इसके वायर को चेक करेंगे कि कौन इसका लेफ्ट है, कौन राइट है, फिर कौन इसका माइक का है और फिर कौन इसका ग्राउंड है। तो ये कनेक्ट करके उसके बाद हम जैक में इसके वायर को सोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये सारे टैप को मैं यहाँ से हटा लूँगा। और ये देखें ये जो वायर है, तो इसके ऊपर से मैं सारे टेप को हटा लिया हूँ। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये वायर जो है वो अलग हो रहा है। आप देख रहे हैं ये वायर के ऊपर में जो कवर है वो किस तरह से टूट करके सारा वायर बाहर निकल रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्लिप को लगा लेंगे ताकि इसका वायर जो है वो टूटे भी तो ये इसके बाहर ना आए, और जिससे हमारा ईयरफोन जो है वो काफ़ी ही बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसके वायर को निकालेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इस साइड से, तो ये कवर को मैं हटाया यहाँ से, तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा क्या कि कुछ यहाँ पर वायर है। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये पतला वाला जो देख रहे हैं ये सारे, तो ये इसका वायर नहीं है, ये इसके साथ दिया जाता है ताकि वायर पर जोर ना पड़े, इसके लिए ये सेफ्टी के लिए दिया जाता है। तो इसे हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक ग्रीन वायर है, एक रेड वायर है, एक गोल्डन वायर है और एक जो है वो ग्रीन और गोल्डन दोनों मिक्स किया हुआ वायर है। तो इन सभी के कनेक्शन को हम सबसे पहले देख लेंगे और कौन किसका है वो भी वायर को हम चेक करेंगे। तो ये वीडियो के हेल्प से आप भी अगर इस तरह का ईयरफोन है या फिर हेडफोन है तो इसके वायर का कनेक्शन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये देखें, इन सभी का कनेक्शन भी मैं करूंगा और इसे रिपेयर भी कर लूँगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो इसे तो आपको निकालना ही होगा। सबसे पहले हम इसे यहाँ से निकाल लूँगा, मैं यहाँ से इसे निकाल लूँगा ताकि इसका कनेक्शन मैं यहाँ पर बना सकूँ। और ये देखें, ये जो जैक देख रहे हैं इसके ऊपर एक कवरिंग किया हुआ है, तो ये जो कवरिंग किया हुआ है इसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह से इसे निकालना कैसे है तो ये ध्यान दें और इस तरह से आप अलग करें तार को।
देख रहे हैं, तो इन स्लिप का मैं यूज करूंगा इसमें, इसके अंदर से वायर को इन करा दूंगा। और ये देखें, ये वायर के ऊपर में जो ये कवरिंग है, तो इसे भी मैं यहाँ से निकाल लूँगा करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं काफ़ी ये जो वायर है सभी को इन करा लिया हूँ। और इन कराने के बाद क्या करना है कि ये जो वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं इस तरह से गेट लगा दूंगा, उसके बाद फिर ये स्लिप जो है उसके अंदर इन करा लेते जाना है। तो ये देखें, इस तरह से आप मोड़ लें इस तरह से ये स्विम में, और इसका यूज करके आप इस तरह से वायर को मोड़ते जाएं। तो इस स्लिप में क्या करना है कि इस तरह से आप लगा दें इसके अंदर और ये इन करते जाएं। वो हट चुका है अब यहाँ से। और ये देखें, यहाँ जो वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 5 वायर देखने को मिल जाएगा। ये जो ग्रीन वायर है ये लेफ्ट, ये राइट के लिए रेड वायर है, ये लेफ्ट का जो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये राइट का पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं पर यहाँ पर एक वायर ये जो देख रहे हैं ये माइक का कनेक्शन है, ये अलग है, ये माइक में कनेक्शन जाएगा जो पॉजिटिव है। ये जो आप देख रहे हैं वायर, यहाँ पर आपको 2 वायर देखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि एक जो गोल्डन वायर है, एक यहाँ पर ये राइट के लिए है, और एक जो गोल्डन और यहाँ पर ग्रीन वायर को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो वायर आपका जो देखने को मिल जाएगा, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों स्पीकर का और ये माइक का स्पीकर का ये सभी इससे कनेक्ट है, जो इसका ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वायर आपका ग्राउंड का है और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह के वायर का कनेक्शन किया हुआ है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर से आप यहाँ पर माइक और एक बटन लगा हुआ रहता है, तो यहाँ जो आप कनेक्शन यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो एक ग्राउंड का कनेक्शन है और बीच में जो है वो माइक का कनेक्शन है, फिर ऊपर में राइट साइड का कनेक्शन दिया हुआ है। ये जो गोल्डन वायर है यहाँ पर 2 वायर को कनेक्ट किया हुआ है, जो इसका ग्राउंड और माइक से कनेक्शन किया हुआ है, और रेड वायर जो है वो राइट का है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ग्राउंड और ये राइट का कनेक्शन यहाँ एक स्पीकर के लिए निकाला गया है, ये कनेक्शन है। दूसरा जो वायर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लेफ्ट के लिए स्पीकर का लेफ्ट का है, तो ये जो वायर है इसमें 2 कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। वो दोनों कनेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि ये जो ग्रीन वायर है ये आपका लेफ्ट साइड का है, और यहाँ ग्रीन और गोल्डन वायर जो यहाँ कनेक्ट किया हुआ है साथ में, वो भी इसका लेफ्ट साइड का स्पीकर का कनेक्शन यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से ये कनेक्शन किया हुआ है। तो अब हम इसे जैक में कनेक्शन करेंगे, और इन सभी वायर में जो कनेक्शन करूंगा, कनेक्शन करने से पहले क्या करना है कि ये जो वायर आप देख रहे हैं इन सभी वायर में मैं यहाँ पर ये स्लिप को लगा लूंगा। ये जो स्लिप आप देख रहे हैं ये ग्राउंड है, और ये जो वायर देख रहे हैं ये माइक का है। तो इस तरह से सभी में कनेक्शन में एक एक करके स्लिप को लगाऊंगा, ताकि वायर को जब मैं यहाँ पर कनेक्शन करूँ वो आपस में शॉर्ट ना हो। तो ये लेफ्ट का पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वायर में मैं एक कनेक्शन कर लूँगा। ये देखें, इस तरह से स्लिप को लगाऊंगा, और ये जो वायर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो वायर है ये इसका पॉजिटिव है माइक का। तो ये माइक का कनेक्शन हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से। ये देखें, ये कनेक्शन सभी में यहाँ पर जो देख रहे हैं ये ग्राउंड का है, तो ये ग्राउंड का कनेक्शन मैं यहाँ पर करूंगा।
और अब मैं कनेक्शन करूंगा ये रेड वायर का। रेड वायर जो है ये इसका राइट कनेक्शन है, तो इसे भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो देख रहे हैं ये ग्रीन वायर है जो इसका लेफ्ट का है, तो लेफ्ट का भी कनेक्शन यहाँ पर हम इसमें लपेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद अब चलिए इसमें मैं सोल्डिंग करूँगा। और अब देखें यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि सभी वायर का कनेक्शन यहाँ पर अच्छी तरह से करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, या फिर कहीं सोल्डिंग में कोई दिक्कत होना, सही से सोल्डिंग ना होना ये कारण हो सकती है, तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर मैं इसे सभी वायर में अगर सोल्डिंग ना हो तो आपको करना क्या है, इस तरह का पीवीसी वायर होता है जिसका ये वायर जो होता है वो अच्छी तरह से सोल्डिंग हो जाता है इसमें, तो हम क्या करेंगे कि यही वायर को यहाँ पर छील करके और इस वायर को जरा जरा सा इन सभी में मैं लपेट दूंगा ताकि सोल्डिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। इससे आपका सोल्डिंग भी अच्छा से हो जाएगा और ये कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ही अच्छे से कनेक्शन भी होगा। तो ये हम करेंगे यहाँ पर। और ये देखें ये जो वायर आप देख रहे हैं इसमें अच्छी तरह से मैं लपेट के चला जाऊँगा ताकि सोल्डिंग जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट रूप से यहाँ पर सेट हो जाए। ये देखें और ये देखें इस तरह से ये सारा मैं वायर को अच्छी तरह से लपेट लिया हूँ। और अब बारी आया इसमें सोल्डिंग करने का। और ये देखें इन सभी वायर में मैं अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लूँगा, तो ये देखें अच्छी तरह से ये सोल्डिंग भी हो जाएगा। अब एक दूसरे से आप ये अलग ना हो, ये देखें ये इस तरह से कनेक्शन भी कर दूंगा बीच में और इसके ऊपर से इसमें भी लगाऊंगा।
से ये बैठ चुका है। तो जब ये बैठाने के बाद क्या करेंगे, जरा जरा सा आप फेविक्विक इस तरह से लगा करके और इसे अच्छी तरह से चिपका लेंगे, ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैं ये हेडफोन को बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिया हूँ। और ये देख सकते हैं इसका जैक भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है, बिल्कुल ही कंप्लीट। इसका वायर का कनेक्शन भी मैं अच्छी तरह से कर रखा हूँ। और अब देखें ये जो सेल फोन है इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखते हैं सैम्बल जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। यहाँ माइक का कनेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ से कनेक्शन इसका दबा सकते हैं, ये देखें, और ये देखें जब मैं यहाँ पर पॉज करूँगा, ये देखें बिल्कुल ऑन हो चुका है और ये ऑफ भी हो चुका है। तो देखा फ्रेंड्स इसको किस तरह से मैं रिपेयर किया। और इसी तरह का मैं बहुत सारा वीडियो लाता हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मैं कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।